उसके बाद यहां पे दिया है गद्य, गद्य का अर्थ होता है लेसन, 18 गुण पहला प्रश्न होगा, पद्य 16 गुण दूसरा प्रश्न रहेगा, स्थूल वाचन 6 गुण 3 मार्क होंगे, अगला तीसरा प्रश्न रहेगा 6 गुण का, स्थूल वाचन पहला लेसन, दूसरा कविता, तीसरा रैपिड स्थूल वाचन और चौथा ग्रामर भाषाभ्यास है ना, ग्रामर 16 गुण रहेंगे चौथा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न जो है उपयोजित लेखन 24 गुण, मुझे निबंध लेटर स्टोरीज वगैरह, पांचवा प्रश्न एकूण 80 गुण, मुझे 80 गुण, कृति पत्रिका मुझे प्रश्न पत्रिका, तो पेपर कैसे रहेगा हमारा, बोर्ड का प्रश्न पहला एक रहेगा, विभाग एक प्रश्न पहला, गद्य गद्य मुझे लेसन पर सीन पैसेज अ 7 गुण, आ अपठित उतारा 7 गुण, पठित पठित सीन सीन पैसेज दोन रहेंगे, पहला दूसरा, पहला सीन दूसरा सीन 7-7 गुण के दो, यहाँ पे देखो मार्क किया है 130 से 150 शब्दों में एक एक पैसेज रहेगा, एक पैसेज 130 या 50 के भीतर, दूसरा भी सेम वैसा रहेगा ज्यादा नहीं इससे, तीसरा है अनसीन पैसेज, अतः अनसीन पैसेज में 4 गुण रहेंगे, अतः ये छोटा पैसेज रहेगा 80 to 100 शब्दों में ये आपको पूछा जा सकता है 80 to 100 शब्दों में। अभी तीसरा, अभी देखो उसके बाद ये है कि इनके पहला पैसेज सीन पैसेज और दूसरा सीन पैसेज, देखो अ आ ये 7 गुणों के लिए कृति न्याय गुण विभागनी कैसे किया वो बताया कि पहला आकलन कृति, हाँ ये दोनों में से एक का किया, दोनों सेम रहेंगे, पहला आकलन कृति 2 गुण, दूसरी कृति आकलन कृति 2 गुण और स्वमत 3 गुण, ऐसे 7 गुण का एक कृति है, तो सेम आ भी वैसा रहेगा, देखो और आ दोनों का कलेक्ट किया है 7-7 गुण, 7 और 7 गुण, ऐसे ही पेपर में आपको पूछा जाएगा, इससे अलावा और कुछ अलग नहीं रहेगा, आकलन कृति 2 मार्क, आकलन कृति 2 मार्क, स्वमत 3 मार्क, देखो ऐसे होगा बेटा ये। इसके बाद ये अनसीन पैसेज है तीसरा, आ और ये तीसरा अनसीन पैसेज, आ और 3, तो ये अनसीन पैसेज कैसा रहेगा 4 गुण के लिए, तो एक अ आकलन कृति, आ आकलन कृति, उसमें ग्रामर एक्टिविटीज वगैरह स्वमत नहीं रहेगा, अनसीन में 2-2 मार्क है, 2 कैसे रहेगा। अभी विभाग 2 म्हणजे पद्य विभाग, विभाग 2 म्हणजे पद्य विभाग, कविता का विभाग है, पद्य म्हणजे कविता 16 गुण के लिए, अभी उसको हम देखते हैं, हाँ अभी देखो बेटा हम देख रहे हैं अभी पद्य विभाग कविता विभाग, एक पठित गद्य 8 गुण, आ पठित गद्य 8 गुण, इसमें कविता में 2 कविता आएगी, वो कैसे आएगी आपको बताता हूं, नीचे बता रहा हूं, अ कैसे होगा आ कैसे होगा वो भी बताता हूं, पहले अब 8 मार्क का एक कविता आएगा सीन, बाहर की नहीं, इसमें अनसीन कविता नहीं है, दोनों भी अपने पाठ्य किताब की टेक्स्ट बुक की ही कविता आएगी, अब पहली कविता कैसी होगी बताता हूं 8 मार्क के, अ 8 गुणांसाठी कृति निहाय गुण विभागणी, अभी देखो 8 गुण के लिए पहली जो कविता है वो कैसी होगी, आपको प्रिंट कविता आएगी पेपर में जो 9 में आई थी आपको, आकलन कृति 2 गुण, सेकंड आकलन कृति 2 गुण, तीसरा है कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे, पहले क्या होता था प्रति शब्द होते थे, प्रति शब्द मतलब कविता का ही शब्द लिखना होता था, अभी यहां पे ऐसा नहीं है, कोई भी 4 शब्द दिए जाएंगे, कोई भी 4 शब्द आएंगे, उन 4 शब्दों का समानार्थी लिखना होता है, अर्थ लिखना है, देखो इधर दिया है अर्थ मुझे समानार्थी, और चौथा जो है वो काव्य सौंदर्य 2 गुण का, अतः काव्य सौंदर्य में रेगुलर पीरियड में मैं इस पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि लिखना कैसे है, कितने पैराग्राफ में लिखना है, कैसे है, पहले कैसे होता था काव्य सौंदर्य भाषा वैशिष्ट्य वगैरह वो लिखना होता था, ऐसा नहीं है अभी, इसमें बदल है, और फिलहाल इतना समझ लो, आकलन कृति 2 मार्क, आकलन कृति 2 मार्क, कवितेतील 4 समानार्थी शब्द, और चौथा है काव्य सौंदर्य 2 मार्क, 2 पैराग्राफ में जो कविता की 2 लाइन दी होती है उस पर आपको वर्णन किया होता है, काव्य सौंदर्य लिखना है, वर्णन करना है वो कविता का, बात पहले जैसा नहीं करना है काव्य सौंदर्य। अभी दूसरा है आ, मुझे ये जो 8 मार्क का है ना वो नीचे दिया है,
ऐसे दिया है वो देखो आ अभी इसमें दिया है बेटा कि अच्छी तरह से देखो समझो हमें यहां पर क्या किया है दिलेल्या दोन कवितांपैकी कोणत्याही एका कविते संबंधी खालील मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवणे अपेक्षित। मतलब क्या बताया है दिए हुए दो कविता है कोणत्याही एका कविते संबंधी खालील मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवणे अपेक्षित है। मतलब आपको ना यहां पर आपको दो कविता के बारे में पूछा जाएगा, दो कविता के नाम रहेंगे ऊपर ऊपर आपको 1-2 ऐसी एक कविता और दूसरी कविता ऐसे दो नाम रहेंगे कविता के। इन दोनों में से एक कविता के लिए ये 6 पॉइंट्स रहेंगे, इनमें से कोई भी आपको यहां पे 5 सोडवने अपेक्षित है। मुझे 6 में से 5 कंपल्सरी लिखने, इनमें से पहला और दूसरा 1 और 2 ये कंटिन्यू कंपल्सरी लिखना है, और नीचे जो 4 है इनमें से 3 लिखने, 3, 4, 5 और 6 ये 1, 3, 4, 5 और 6 इनमें से कोई भी आपको 3 लिखने हैं, ये 2, 4, 6 और ये 2, 8 ऐसे मार्क होंगे। पहला है प्रस्तुत कवितेचे कवि कवयित्री, ये लिखना होता है 1 मार्क का, ये कंपल्सरी लिखना है। नंबर 2 प्रस्तुत कवितेचा विषय 1 मार्क, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं लिखेंगे तो एवरेज बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 5 बोले तो ये 2 लिखने ही पड़ेंगे, नहीं तो हिसाब नहीं होता है बराबर 8 मार्क का, इसलिए 2 नहीं बताए हुए आपको समझ में आना चाहिए कि ये 2 लिखना कंपल्सरी होगा। तीसरा है प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ लिया। आता प्रस्तुत कवितेतील 2 दिलेल्या 2 ओळींचा म्हणजे 2 कविता की लाइन दी होगी उसका अर्थ लिखना होगा 2 गुण। चौथा है प्रस्तुत कवितेतील मिळणारा संदेश 2 गुण, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश म्हणजे जिस कविता में आपको संदेश क्या मिला है मोरल सीख वो 2 मार्क का लिखना है, वाक्य में 4-5 लाइन में लिखना है, 3, 3.5-4 लाइन में लिखना है। पांचवा है प्रस्तुत कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण, जो कविता है वो आपको पसंद है या ना पसंद है उसका रीजन 2 मार्क। प्रश्न 6 प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे, प्रस्तुत जो कविता है उनमें भी 4 शब्द दिए जाएंगे, जो ऊपर दिए हैं वो ऑप्शन में ही रहेंगे, इसमें 4 में कोई भी इनमें से कोई भी आपको देते समय वो 5 ही प्रश्न देंगे, ये याद रखना है बेटा, दिए 6 लेकिन 5 ही देंगे वो प्रश्न, और 6 दिए तो आपको फिर ऑप्शन में रखना है। 1 प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहिणे 2 मार्क ऐसा आपका ये दूसरा प्रश्न है 16 मार्क का टोटल अ और आ ये 8-8 गुण के 16 मार्क है, ये दूसरा प्रश्न पोएम का रहेगा। अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा, आपको वीडियो आएगा तो आप उसको लिख के रखना नोटबुक में। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, देखो बेटा हम तीसरे प्रश्न पे आएंगे रैपिड में विभाग 3, हमें पेपर में टेक्स्ट बुक में टोटल 4 रैपिड है, पहले विभाग में 1 है, सेकंड में 1 है, फिर फर्स्ट सेमिस्टर के बाद में 2 है, फर्स्ट सेमिस्टर में 2 है और फाइनल में 2 है, 4 पार्ट किए टेक्स्ट बुक में देखो 1, 2, 3, 4 तो एक एक पार्ट में एक एक रैपिड है, 4 रैपिड है। आपको पेपर में कोई भी 3 आएंगे, देखो नीचे दिया है स्थूल वाचन 6 गुण, प्रत्येकी 3-3 गुणांचा 2 कृती, देखो बेटा प्रत्येकी 3-3 गुणांचा म्हणजे आपको जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें से 1 को 3 मार्क है 1 को 3 मार्क है, स्वमत व अभिव्यक्ति वर आधारित 3 कृती देने व त्यापैकी 2 सोडवने अपेक्षित। क्या बताया नीचे ब्रैकेट में स्वमत, यानी आपको रैपिड में जो स्वमत अभिव्यक्ति पर कंपेयर में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन म्हणजे कृती, कृती म्हणजे प्रश्न, 3 कृती प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 सॉल्व करने, 2 म्हणजे 1 में 3, 1 में 3। आता 4 रैपिड है, 3 करने हैं, 2 लिखने हैं, सिंपल सी बात है, 4 रैपिड है, 3 अच्छी तरह से करने हैं, आपको 2 लिखने हैं। मतलब कि आप 4 में से कोई भी बोर्ड के लिए भी बार 3 भी अच्छी तरह से करते हैं तो आपको 2 लिखने हैं, समझो जो नहीं किया वो भी आए तो आपने 2 किया है ना, तो आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छी तरह से 3 रैपिड भी करते हैं और एक जब नहीं आता है तो उसको बाजू में भी रखते हैं तो आपका पोर्शन कंप्लीट होता है रैपिड में, ये ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से आइडिया से काम करो।
अभी चौथा भाग है, चौथा भाग जो है ग्रामर का, चौथा जो भाग है वो ग्रामर का है बेटा, भाषाभ्यास। तो भाषाभ्यास में क्या किया है, व्याकरण घटकांवर आधारित कृति आठ गुण। भाषाभ्यास में जो ग्रामर चौथा जो प्रश्न है वो ग्रामर का है, चौथे प्रश्न पे आए बेटा, ग्रामर पे आए। पहला व्याकरण घटकांवर आधारित कृति, आपके बुक में गाइड में भी व्याकरण घटकांवर आधारित कृति ऐसे ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, वो आठ मार्क के आएंगे। मैं आठ मार्क के कैसे कलेक्ट किए हैं उसको हम अच्छी तरह से देखते हैं अभी। ध्यान दो बेटा, आठ गुण किस प्रकार से किया है। नंबर एक है वाक् प्रचार, वाक् प्रचार दो मार्क का है, वाक्य प्रकार है, प्लीज वाक्य प्रकार सुनो बेटा अच्छी तरह से, वापस बता रहा हूं, वाक्य प्रकार है ये दो मार्क है। कौन कौन से वाक्य प्रकार आए तो ध्यान दो, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, वाक्य ओळखने। हमने ये ग्रामर एक पीरियड में किया था, दो तीन वीडियो में। देखो बेटा बहुत अच्छी तरह से मैंने बहुत सारा बड़बड़ करके बताया, शांति से बताया। वाक्य प्रकार इधर दिया है ओळखने, अब ध्यान दो अच्छी तरह से, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये चार वाक्य ओळखा म्हणजे पहचानों में आएंगे। हाँ, वाक्य प्रकार दोन गुण। हाँ, इसके बाद है वाक्य रूपांतर दोन गुण, मतलब कितने मार्के हो गए, ये चार मार्के हो गए बेटा, कितने मार्के हो गए, चार मार्के, ये दो मार्के और ये दो मार्के, चार मार्क बोर्ड में बहुत हो गए, इनमें से एक भी गलत नहीं जाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी है। इसलिए मैं आपको ये ग्रामर अच्छी तरह से बता रहा हूं कि कैसे आपको दो पार्ट में आपको 16 मार्क का ग्रामर आएगा, इनमें से एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए तब आप 80 क्रॉस करते हो। ध्यान रखो कैसे ओरल के साथ 80 है, 80 में 80 आउट ऑफ कोई भी नहीं लेता है, सतिका लाल आज तक नहीं लिया किसी ने आउट ऑफ मराठी में लैंग्वेज में। तो वाक्य रूपांतर है दूसरा, पहला है वाक्य ओळखा म्हणजे पहचानो दो मार्क, और वाक्य रूपांतर दोन मार्क। अतः वाक्य रूपांतर में आपको ना फिक्स कर दिया है बोर्ड ने कि आपको इसी प्रकार के टाइप में, आपको स्कूल वाले मनमानी करते हैं। अब मैं आपको ये बोर्ड का मॉडरेशन लेक्चर लेता हूं उसका मैं पैटर्न बता रहा हूं, जो हर साल मैं बड़े बड़े क्लासेस में मॉडरेशन लेक्चर देता हूं बेटा, जाता हूं मैं ठाना तक। तो ये बोर्ड का एक पैटर्न है, पेपर है, आप कहीं भी चेक करो, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वाक्य रूपांतर में एग्जैक्ट वही बताया है, चार प्रकार कैसे, देखो पहले देखो प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये जो तीन है ना, प्रथम दिया है प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये आपस में नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए उनको दे दिया है आपको प्रिंट। प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, ये आपस में परिवर्तन बदलने में नहीं पूछे जाएंगे, पहले पूछा जाता था बेटा, दो साल पहले बोर्ड के, मतलब पिछला साल छोड़ के उसके पहले आपको वाक्य रूपांतर कैसा भी पूछा जाता था, लेकिन अभी फिक्स किया उन्होंने, प्रश्नार्थी विधानार्थी पूछा जाएगा, उद्गारार्थी विधानार्थी पूछा जाएगा, आज्ञार्थी विधानार्थी पूछा, ये तीन के बारे में आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपस में नहीं पूछे जाएंगे। प्रथम जो है ये प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी, प्रश्नार्थी, ऐसे नहीं, ऐसे ही पूछेंगे प्रश्न। इतना बार बार क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इजी होने के लिए बेटा, ज्यादा सिर पे बोझा नहीं लेना, आइडिया से पढ़ाई करो। प्रश्नार्थी विधानार्थी करना है, ये देखो वाक्याचे रूपांतर करना है, उद्गारार्थी विधानार्थी वाक्य रूपांतर करना है, आज्ञार्थी विधानार्थी वाक्य रूपांतर करना है, लेकिन ये जो दो है होकारार्थी नकारार्थी, नकारार्थी होकारार्थी, ऐसे उल्टा पूछा जाएगा, होकारार्थी नकारार्थी इनके साथ कंपेयर नहीं होता है। प्रश्नार्थी उद्गारार्थी, एक लड़के ने उस दिन पूछा था कि सर ये होकारार्थी है क्या नकारार्थी है, एक्चुअली होकारार्थी नकारार्थी ये दोनों वाक्य जो है ये विधानार्थी ही होते हैं। अभी भी जो कोई बच्चे थे उन्होंने पूछा था उस दिन, वो होकारार्थी हो या नकारार्थी हो, ये जो दोनों वाक्य है ना होकारार्थी नकारार्थी, ये आज्ञार्थी उद्गारार्थी प्रश्नार्थी नहीं होते हैं, होकारार्थी नकारार्थी सिर्फ विधानार्थी ही होते हैं। सिंपल, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वही सेम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश के बुक में, हिंदी के बुक में, आप कभी भी जो नहीं समझ में आता है तो वो ग्रामर को आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, हिंदी ज्यादा बोलता हूं लेकिन मैं तो मराठी पढ़ाता हूं, सिंपल सी बात है।
क्योंकि लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वो सेम होता है, इसीलिए हम एक दूसरे भाषा में उसको समझाते हैं, ये याद रखो बेटा। अभी आगे तीसरा है, अभी देखो वाक् प्रचार दो मार्क, ओळखा पहचानों में और बदल में परिवर्तन में दोन मार्क, चार मार्क का ये हो गया। तीसरा है आठ मार्क, आपको बताया था कि आठ मार्क कैसे होंगे, ऊपर दिया था कि अपाठ आठ मार्क का कैसा है, तो वाक्य रूपांतर और वाक्य ओळखा चार मार्क, और उसके बाद है वाक् प्रचार। देखो तीसरा वाक् प्रचार चार मार्क का है, हो गया आठ मार्क का। ग्रामर का अपार्ट, ग्रामर का अपार्ट माना दो ही प्रश्न है, वाक् प्रचार और वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार बदल करा, वाक्य प्रकार ओळखा, और वाक् प्रचार जो हमें 7-8 से हम करते आ रहे थे, वापस बोर्ड ने क्या किया, एग्जैक्ट बता दिया कि वही करना है। कौन सा करना है, वाक् प्रचारों का अर्थ बताओ वाक्य में प्रयोग करो, हिंदी में बोलते ना मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो, बस ऐसा वाला है। आगे देखना वाक् प्रचार ब्रैकेट में तीन देने, मुझे तीन दिए जाएंगे त्यापैकी दोन लेने अपेक्षित है, तीन दिए जाएंगे उनमें से आपको दो करना अपेक्षित है, मुझे दो लिखने हैं। वाक्य का अर्थ एक मार्क और वाक्य का प्रयोग करना, वाक्य रूपा मुझे वाक्य तैयार करना वाक् प्रचारों पर उससे एक मार्क, अर्थ पे और वाक्य पर एक एक मार्क है, ऐसे चार गुण है। दो है वाक्य, वाक् प्रचार दो है, दो को चार मार्क है। ब्रैकेट में दिया है खालील वाक् प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग कर रहे, नीचे वाक् प्रचार जो दिए जाते हैं उनका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है, प्रत्येकी एक गुण अर्थात साढ़े, अच्छी तरह से ध्यान दो, एक गुण किसके लिए, अर्थ के लिए, और एक गुण किसके लिए, वाक्य तैयार करने के लिए, वाक्य में उपयोग करते उसके लिए एक एक गुण। ऐसे दो वाक्य है, दो वाक् प्रचार है, दो वाक् प्रचार को चार गुण है। ऊपर वाक्य प्रकार बदल ओळखा, उसमें बदल करना ओळखा में चार गुण, और वाक् प्रचार में अर्थ लिखना और वाक्य तैयार करना चार गुण दो वाक्य के लिए। ऐसे आठ मार्क का अपाठ हो गया, प्रश्न चार का अ आठ मार्क अभी इसमें हुआ। अभी आ है, अभी देखो बेटा आ है, अभी आ ऐसा है भाषिक घटकांवर, भाषिक घटकांवर आधारित कृती, भाषिक घटकांवर आधारित कृती आठ गुण, भाषिक घटकांवर आधारित कृती आठ गुण। अभी देखो भाषिक घटक क्या होता है, हमारे टेक्स्टबुक पर आधार पे होता है बेटा, शब्द संपत्ति, अपने टेक्स्टबुक के ही समानार्थी शब्द आएंगे, यहां पर कुलते चार घटकांवर कृती करा, आपको पांच आएंगे इनमें से कोई भी चार करने होंगे, ये चार मार्क के। देखो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द समूह बदल, एक शब्द एक अनेक वचन, एक वचन लिंग बदलने, हरेक को एक एक मार्क है, कोई भी चार समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द समूह बदल एक शब्द एक वचन अनेक वचन लिंग बदला, इन पांच में से कोई भी चार आएंगे हरेक को एक एक मार्क रहेगा, हरेक को एक एक मार्क दिया जाएगा, ध्यान दो बेटा। इसमें वापस थोड़ा सा दिखने में आया, कुछ बच्चों की तकरार आ सकती है, तो वापस मैं जरा थोड़ा सेटिंग करके बता रहा हूं, समानार्थी शब्द है, या पैके कोणते चार घटकांवर कृती, मुझे कोई भी चार जो मुंह से बता रहा हूं मैं, भले नहीं भी दिखाई देगा तो मुंह से तो बता रहा हूं, समानार्थी है विरुद्धार्थी है शब्द समूह बदल एक शब्द है एक वचन अनेक वचन लिंग बदलने, पांच में से चार कृती आएगी एक एक मार्क के लिए। ये एक एक मार्क के लिए जो आएगी, ध्यान दो बेटा, ये जो कृती है ये आपको चार मार्क की रहेगी। उसके बाद है लेखन नियमानुसार, आठ मार्क है ना टोटल, तो चार मार्क हो गए आ में ये चार प्रश्न में, और नीचे है लेखन नियमानुसार दो मार्क रहेगा। अचूक शब्द ओळखा, कोणते दोन शब्द प्रत्येकी चार प्रयास देणे, आता यहां पे दिया है आपको अचूक शब्द ओळखा, कोणते दोन शब्द प्रत्येकी चार प्रयास देणे।